चंद पैसों के लालच में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर अम्बाला सीएम फ्लाइंग ने आज बड़ी कार्रवाई की। जहां शिकायत के आधार पर मिली जानकारी के मुताबिक अम्बाला के अग्रसेन चौक पर केथल से अम्बाला आ रहे नकली देसी घी के ट्रक को अम्बाला सीएम फ्लाइंग ने पकड़ा है, जिसमें बड़ी बड़ी नामी कंपनियों के लेबल डिब्बों पर लगाकर नकली घी बेचा जा रहा था। ज्यादा जानकारी देते हुए SHO राम कुमार ने बताया कि नोवा कंपनी की तरफ से उन्हें शिकायत मिली थी कि उनकी कंपनी का लेबल इस्तेमाल कर नकली घी बेचा जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर अम्बाला के अग्रसेन चौक से केथल से अम्बाला आ रहे एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें से 35 बड़े बॉक्स प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 630 नकली देसी घी के डिब्बे शामिल हैं। शिकायत मिली है, ये नोवा कंपनी की तरफ से जो ऑथराइज है पर्सन मिस्टर मुनीश कुमार, उन द्वारा एक शिकायत दी गई है कि नोवा कंपनी के नाम के लेबल लगाकर दूसरे ब्रांड पे वो बेचा जा रहा है। तो उनको ये शिकायत मिली थी कि ये घी कैथल से आ रहा है। उन्होंने सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को साथ लिया और उनको साथ लेकर इन्होंने यहाँ पे अग्रसेन चौक के पास उनकी वेट की। जैसे आए उनको रुकवाया है, रुकवा कर चेक किया, उसमें से तकरीबन 630 डिब्बे हैं जो एक एक लीटर के हैं और अलग अलग मार्क उन पर लगा हुआ है। तो जो उसमें ड्राइवर था राकेश कुमार था, उसको भी वो ले आए हैं, कंप्लेंट दे दी है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुकदमा दर्ज करके इसमें आगामी जो जांच की जाएगी और जो अन्य कंपनियों के लेबल लगे हुए हैं उनसे भी रिपोर्ट ली जाएगी। इसमें नोवा ब्रांड है, मधु ब्रांड है, पतंजलि है, रामदेव। इसमें अभी तो ब्रांड ही बताएगी कि उनके ब्रांड का नाम इस पे यूज किया गया। तो सर ये टेस्टिंग के लिए अभी ये तफ्तीश मारी जा रही है।